हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज मंचूरियन। उसके लिए हम यहाँ पर कुछ गाजर को ग्रेट करके ले लिए हैं और कैबेज को चॉप करके ले लिए हैं। अगर आपको और कुछ वेजिटेबल्स पसंद है, जैसे कि बीन्स या फिर आलू थोड़ा लेना चाहो तो आप ले सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पर डाल रहे हैं, सपोज़ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर, तो मैं 1 चम्मच मैदा डालूँगी। मैदा बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि मैदा जब ज़्यादा डालोगे ना तो फिर ये जो हम इसको फ्राई करेंगे, अभी डीप फ्राई करेंगे, तो फिर ये बहुत हार्ड हो जाएगा, लाइक खाने में भी बहुत ही बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो इस वजह से कॉर्नफ्लोर ज़्यादा डालिए और मैदा बस 1 चम्मच, जैसे कि मैं 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच मैदा उस रेशियो में डालिए। यहाँ पर मैं आपको क्या करना है, उसको अच्छे से मिलाकर उसको इस तरह से छोटा छोटा बॉल बनाना है। और याद रखिए, बिल्कुल भी पानी मत डालिएगा, क्योंकि कैबेज से पानी निकलता है और फिर हम नमक भी डाले हैं, तो इस वजह से बिल्कुल भी पानी मत डालिएगा, उसी में ही करना। देखिए, हमारा बॉल बन के रेडी हो चुका है। अभी हम इसको अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे। उसके लिए हम एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेते हैं। जब तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर उसको अभी चेक कर लेते हैं। देखिए, तेल अच्छे से गर्म हो गया, तो फिर अभी हम इसको अच्छे से सारे फ्राई कर लेते हैं। अभी ये जब तक ब्राउन हो जाएगा तब तक हम इसको पकने देंगे। जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तो फिर निकाल लेंगे। तब तक के लिए हम इसको थोड़ा पकाते हैं। देखिए, ब्राउन हो रहा है, अभी एकदम अच्छे से ब्राउन हो गया है। अभी इसको फटाक से जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ब्राउन हो चुका है। अभी हम ये मंचूरियन बॉल्स को ना एक प्लेट पे टिश्यू पेपर रख के उसके ऊपर डाल लेंगे, ताकि मंचूरियन बॉल्स में अगर एक्स्ट्रा तेल रह गया होगा तो फिर ये टिश्यू पेपर सारा कुछ सोख कर लेगा। इस वजह से देखिए, सारा बॉल्स हमने निकाल लिया। अभी मंचूरियन बॉल्स तो बन गए हैं, चलिए अभी हम बनाते हैं इसके लिए ग्रेवी। तो सबसे पहले हम एक पैन पे थोड़ा सा तेल गरम करेंगे, और इसमें हम जैसे चिली आइटम में नहीं डालते प्याज को लंबा लंबा काट के, उसी तरह से काट के डाल लेंगे। फिर हमारे पास अभी ये कैप्सिकम चॉप करके हम रखे थे, तो कैप्सिकम डालेंगे। अगर आपके पास कैप्सिकम नहीं है तो भी चलेगा, अगर है तो डालिए, क्योंकि काफ़ी सुंदर दिखता है, ग्रीन ग्रीन, और अच्छा भी लगता है टेस्ट। इसके बाद मैं डालने जा रही हूँ लहसुन। यहाँ पर मैं 3 लहसुन की कली लेके उसको चॉप करके डाली हूँ। फिर अभी इसको थोड़ी देर फ्राई कर लेते हैं, जब तक कि लहसुन एंड प्याज का स्मेल थोड़ा चला जाए और ये सारे थोड़े ब्राउन हो जाए और कैप्सिकम भी थोड़ा पक जाए। अभी अच्छे से हो रहा है। और हाँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है और अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है, तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ एक लाइक कर देना। अभी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ग्रीन चिलीज, मेरे पास था तो मैंने इसको काट के थोड़ा चॉप करके डाल दिया, क्योंकि इससे अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अभी मैं थोड़ा पानी डाल के इसमें टमाटो सॉस डाली हूँ, क्योंकि हर चिली आइटम में तो टमाटो सॉस ही आता है, और अगर आप चाहो तो थोड़ा चिली सॉस भी डाल सकते हो। मुझे इतना तीखा नहीं खाना है, इस वजह से मैं चिली सॉस को यहाँ पर अवॉइड की हूँ। अभी इसको थोड़ा अच्छे से उबाल लेते हैं, फिर इसमें हम डाल लेंगे वो मंचूरियन बॉल्स, ताकि जो ग्रेवी है मंचूरियन बॉल्स के अंदर थोड़ा चला जाए और वो थोड़ा सॉफ्ट बन जाए। अभी तो क्रिस्पी है, फ़िलहाल हम अभी डीप फ्राई किए थे उसको, इस वजह से देखिए
अब इसको थोड़ी देर बस पकने देंगे ताकि ये ग्रेवी जो है इसके अंदर थोड़ा आ जाए। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, क्योंकि हम सिर्फ मंचूरियन बॉल्स में डाले थे और तो कहीं पर नहीं डाले थे, इस वजह से ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा डालना, क्योंकि टमाटो सॉस में भी होता है ना पहले से ही नमक उसमें, इस वजह से। अभी अच्छे से उबल रहे हैं। अभी हम कॉर्नफ्लोर एक छोटा सा कटोरी में थोड़ा सा एक चम्मच जैसा कॉर्नफ्लोर लेना और उसमें पानी डाल के इसका एक घोल बना लेना, पूरा घोल पूरा पतला होना चाहिए। फिर हम इसको, अभी मैंने इसको डाल दिया, डालने के बाद ना इसको थोड़ी देर पकाएंगे ताकि जो कॉर्नफ्लोर का घोल दिया ना ये ग्रेवी को थिक बनाता है। इस वजह से इसको पकाने से ना जितना पकाओगे कॉर्नफ्लोर का घोल उतना थिक बनता जाएगा। इसके लिए हम अभी वेट करेंगे ताकि जो हमारा ग्रेवी हो, ग्रेवी है वो अच्छे से थिक हो जाए। देखिए काफ़ी थिक हो रहा है। देखिए अभी अच्छे से हो गया। अभी मैं प्लेट में निकाल ली हूँ और देखिए कितना सॉफ्ट बना है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है। मैं आपको खा के दिखा रही हूँ और काट के भी दिखा रही हूँ कि देखिए बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सब बनाए। और प्लीज़ अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब और एक लाइक कर देना, और ताकि मैं आपके लिए जो भी और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाऊं आप देख सको अच्छे से। देखिए मैंने अपना ख़त्म कर लिया, अभी मैं इसको दे रही हूँ मेरी घर वालों को। तो आप एक काम करो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इंजॉय।